नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रतन चौहान और आप देख रहे हैं ज्ञान अपडेट चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप अगर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहले पहुंचे। दोस्तों, आज मैं ये बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट में क्या ना करें जिसकी वजह से आपको घाटा ना हो। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कि जिस कंपनी के बारे में आप नहीं जानते हैं उसका शेयर आप ना खरीदें। जिस कंपनी के बारे में आप मार्केट में जानते ही नहीं कि ये क्या बनाती है, क्या करती है, इसका क्या मतलब कि वो मार्केट कैप क्या है, इसके बारे में लोन कितना है, उसका शेयर ना खरीदें। सब और नेक्स्ट बात, धैर्य रखें। शेयर को 10 मिनट के लिए नहीं, अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो 10 मिनट के लिए नहीं, 10 साल के लिए करने। खैर, कहने का मतलब यह है कि 10 आप 2 दिन में आपको प्रॉफिट हो जाता है, 2 दिन में प्रॉफिट आप कमा के चले जाए, कोई जरूरी है 10 साल। लेकिन व्यू यह होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा 10 मिनट में प्रॉफिट नहीं हुआ मर गया मैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट टाइम टू बाय, खरीदने का समय क्या है, खरीदने का समय क्या है। अगर शेयर तो बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन भाव क्या है, भाव सही होना चाहिए। जैसे कि शेयर जब पिक पे हो क्या उस टाइम खरीद, जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि शेयर जब पिक पे हो उस टाइम खरीदना चाहिए, या शेयर बिल्कुल जब बॉटम पे अपने आ रहा है तब खरीदना चाहिए। वैसे मैं मानता हूं ना, मैं पिक पे खरीदता हूं ना मैं बॉटम पे खरीदता हूं, मैं बीच वाले पे खरीदता हूं। क्यों? क्योंकि पिक पर तो पता नहीं कब आएगा और डाउन पर पता नहीं कब जाएगा। बिल्कुल डाउन का तो पता नहीं, कोई कहता कि मैं तो जब 10,000 रुपए मार्केट आएगी तब खरीदा, 10,000 रुपए आवे नहीं ना वो खरीदेगा, तो 15,000-16,000 पर खरीद ले भाई, 17,000 पर खरीद ले, ठीक है, ओके। ब्रोकरेज की सभी बातों को सुनिए आप, जो भी आपका ब्रोकरेज कहता है कि इसमें खरीदिए, उसमें खरीदिए, ये कर लीजिए, ये कार ले लीजिए, वो पुट ले लीजिए, ठीक है भाई, सुन लिया, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सुनना जरूर है लेकिन ध्यान ज्यादा नहीं। दोस्तों, शेयर नहीं, आप कंपनी को खरीदिए। अगर कंपनी आपकी ठीक है आपका शेयर जरूर सही हो, और अगर आपकी कंपनी गलत है, कंपनी गलत से मैं बात की बात करता हूं, कंपनी में लोन सही सही है, उसके कर्मचारी भ्रष्ट हैं, उसमें कुछ घोटाला चल रहा है, तो आपका शेयर डूब जाए। आप उस कंपनी को देखिए। अमीर बनने की फटाफट ना करें, जैसे मैंने कवर कर दिया कि करोड़पति जल्दी आप बनना चाहते हैं तो मार्केट में अमीर बनने की फटाफट मत सोचें, काम करिए आप इसमें आकर। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि आप 1,000 लगाए तो 1,000 को आप 1,200-1,500 करने की सोचें, 1,000 से आप करोड़पति बनने की मत सोचिए, अमीर बनने की फटाफट ना सोचें। हर शेयर को खरीदने की कोशिश ना करें। अगर कितना भी बढ़िया बैटमैन है, अगर हर बॉल पे वो बल्ला घुमाएगा तो कैच आउट निश्चित है, कैच आउट निश्चित होगा अगर वो हर गेंद को बल्ला घुमाएगा।
कुछ एक गेंद होती है बल्लेबाज को क्रिकेट में दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा छोड़ना ही पड़ता है। अब कुछ एक गेंद होती है उसको बाउंड्री के पास भेजना पड़ता है पार, चाहे सिक्स हो फोर हो, इसलिए हर गेंद को मत छेड़े, मतलब हर शेयर को मत छेड़े, कुछ एक सेलेक्टिव शेयर अपना बनाए उसमें अपना काम। तो यहां तक की जानकारी आपको कैसी लगी? हेलो लवली, बस इतना बोला वीडियो को बंद कर दो। अब बीच में बोल दे क्या है? चला ठीक। तो यहां तक की जानकारी आपको कैसी लगी, बात काटते हैं।